तो आज हमारा अगला वीडियो है केमिस्ट्री से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। दोस्तों जो वेरियस केमिकल रिएक्शन होता है उन सभी रिएक्शन के रिजल्ट के बेस पे ये देखा गया कि जो केमिकल रिएक्शन है वो 5 लॉज को फॉलो करता है। जब दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो वह जिस लॉ को फॉलो करता है उस लॉ को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर में 5 लॉ हैं, 5 लॉज हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसको सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट लोमोनोसोफ ने 1756 में एक्सप्लेन किया, बाद में लेविजियर, लंडल्ट, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें इम्प्रूव किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज ही क्यों ना हो। मतलब कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन हो, चेंजेज हो, इसके बाद भी मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता ना तो क्रिएट किया जा सकता। लेकिन जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है आइंस्टीन का, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होता है E=mc², इसके अकॉर्डिंग मास को इनर्जी में और इनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये दोनों लॉ एक दूसरे को अपोच करते हैं। लेकिन जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये केमिकल रिएक्शन के लिए ही है, और इसके अकॉर्डिंग चूंकि अगर हम आइंस्टीन को देखें तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E=होता है mc², तो m = हो जाएगा E/c². सी लाइट वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इस तरह से जो मास इनर्जी में कन्वर्ट होता है वो मास काफी कम होता है, उसका बहुत लो अमाउंट होता है, जिसके कारण हम ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि मास में कोई भी लॉस नहीं होता। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली ट्रू है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी फ्लैस्क में फास्फोरस पीस रख दें और उस फ्लैस्क में सैंड विंग रखा हुआ है और इसके बाद हम उसको मेजर करें, उसको हम एक कार्क के द्वारा टाइटली कवर कर देते हैं और उसके बाद उसको मेजर करें, तत्पश्चात उस फ्लैस्क को हम हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे तो फास्फोरस बर्न होने लगेगा और फास्फोरस पेंटाक्साइड का वेपर बनाएगा। इसके बाद हम इसको फिर से मेजर करते हैं कूल करके, फ्लैश को कूल करेंगे फिर से मेजर करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि दोनों कंडीशन पे जो मास है वो अनचेंज होता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू होता है। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे किसी भी सोर्स से कोई केमिकल कंपाउंड ही ऑब्टेन ना किया गया हो लेकिन उस केमिकल कंपाउंड का जो रेशियो होता है उसके कंस्टिट्यूंट में वेट के अकॉर्डिंग वो फिक्स होता है। इसको हम लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो जो उसके कांस्टेंट होते हैं वेट के अकॉर्डिंग वो फिक्स होते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर, चाहे हम रिवर से फाइंड करें, वेल से, सी से, कहीं से भी हम वाटर फाइंड करें, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2O, H के एटॉमिक मास होता है 1, तो H2 में H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16, तो इस तरह से 2:16 आएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है 1:8। तो इस तरह से वाटर कहीं से भी फाइंड किया जाए उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8, मतलब 1 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन होता है। मतलब जब कभी भी
वन पार्ट हाइड्रोजन का और एक पार्ट एट पार्ट ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं स्पेशल कंडीशन में, तो हमेशा वाटर ही बनता है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या इसे हम लॉ ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रोपाउंडेड किया था, एक्सप्लेन किया था। इसके अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, मतलब जब टू एलिमेंट कंबाइन हो गए और कम आफ्टर कॉम्बिनेशन जो केमिकल कंपाउंड है वो टू या टू से अधिक होता है, तो एक एलिमेंट का बाई वेट जो रेशियो होता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो फिक्स होता है। मतलब अगर दो एलिमेंट हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें फाइव एलिमेंट मिलते हैं। उन फाइव एलिमेंट में जैसे हम फर्स्ट देखते हैं N2O, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ पे N2O मतलब दो नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का 16, 28:16 हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 14:8। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाता है 14 और ऑक्सीजन का 16, तो 14:16 इसका हो जाएगा 14:16। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो चूंकि नाइट्रोजन का 14 होता है इसमें दो नाइट्रोजन है N2, तो इसका टोटल एटॉमिक मास हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है तो ये हो जाएगा 16:3 = 48, तो 28:48। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा 14:24। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 28, ऑक्सीजन 4 है तो 16:4 = 64, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 14:32। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है N2O5, इसे हम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन 2 है इसलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन इसमें 5 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 5 ऑक्सीजन का हो जाएगा 80। इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा 14:40। तो इस तरह से देखते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और टू आर मोर कंपाउंड बनाते हैं तो उन एलिमेंट में एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेट के अकॉर्डिंग। मतलब उनका जो रेशियो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा जिसमें से एक का रेशियो फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्स है 14 और ऑक्सीजन का देख रहे हैं कि 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह से उसका रेशियो बन रहा है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इससे प्रूफ होता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है। जैसे यहाँ 8 का मल्टीपल प्रोपोर्शन है 8 1 8 8 2 16 8 3 24, यहाँ ऑक्सीजन का मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गेलुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बता दें कि इसको गेलुजेक ने 1808 में एक्सप्लेन किया था। इसमें यह बताया गया कि जब गैस कंबाइन होता है, जब कई सारे गैसें कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तो वॉल्यूम उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। जब कई सारे गैस कंबाइन होंगे तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होगा, अर्थात इफ प्रोडक्ट इज अ गैस इट आल्सो बियर द सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब सभी गैसेस को का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो उसका कॉम्बिनेशन है
वो एक सिमिलर कंडीशन पे हो। दोस्तों ये हुआ आपका शॉर्ट फॉर्म में गैस लिसैक वॉल्यूम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।